कहाँ जा रहे हैं बच्चों? वादी है जिन। ओ, ये छोटा सा जिन यहाँ पे कूद रहा है। घोड़े के ऊपर बैठूंगा मैं। आग लगा रहे हैं और आग लगाना हमारा काम नहीं है। ये वादी है जिन का आखिरी और लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आप ये रोड देख रहे हैं कि घूम के वापस उस तरफ ही जा रहा है जहाँ से हम आए। तो माशाल्लाह से सुफरा काफी बेहतरीन तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हिमान अली मदीना मुनव्वरा से और इस वक्त बच्चे तैयार है। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? वादी है जिन बारबेक्यू और पिकनिक के लिए जा रहे हैं और ये सारी तैयारियां की हुई हैं। पहले से काफ़ी सामान लेके गाड़ी में रख दिया था, जैसे कि ये बारबेक्यू का पूरा सामान है, कोयले हैं और इस तरफ जो है बाकी ये सामान जो है इसके अंदर क्या है, चाय के लिए केटली वगैरह उठाइए। ओके, और ठीक है, इसमें बनेगी चाय। पत्ती चीनी भी हो गई, चम्मच और ये चीजें भी हैं। चलें जी, ठीक है। रास्ते से क्या लेना है? दूध वगैरह लेना है जी। तो चलें, फिर चलते हैं वादी जैन। आगे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ से सामान लेना है, यहाँ से सामान लेके फिर आगे चलते हैं। क्या क्या लेना है? पहले तो दूध की बोतल, ये 6 दही के पैकेट हैं, ये दही के 6 पैकेट है। निकालना भैया मुस्तफा। ओके, पूरा उठा लो ये। ठीक है, ये जी सामान ले लिया है और सफरे और बाकी चीज़ें उधर रख दी हैं गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और आगे के लिए निकलते हैं। तो ये आगे रखेंगे पीछे रखेंगे भाई? यहाँ पे रखेंगे, ख़राब नहीं होंगी? नहीं, नहीं। चलो, तो जी भी बस इस वक्त हम रुके हैं हिराज। ये इस तरफ है हिराज और हिराज के बिल्कुल सामने इन दुकानों में जाके कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा के फिर आगे की तरफ निकलते हैं। अच्छा, सब्ज़ी भी लेनी है, ख़ासतौर पे टमाटर और लाल मिर्च, लेकिन लाल मिर्च थोड़ी बड़ी ना हो। ये बच्चों को बड़ी पसंद है लेमन वाली। और एक उठाते हैं कोका कोला। कोका कोला यहाँ पे बहुत कम मिलती है। ये रही दो। चलें भाई, इनका कितना हुआ? 18 रियाल। ये सामने 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी और अब चलते हैं इन गाड़ियों की तरफ। सामने हिराज, मदीने में जो भी आपको सेकंड हैंड चीज़ें लेनी हो वो यहाँ पे मिलती हैं। और ये रहा जबल अहद। ये बोर्ड देखें वादी जिन का। इस वक्त वादी जिन पहुँच चुके हैं। असल में वादी जिन का असल नाम है बैदा, वादी बैदा इसको कहते हैं। और यहाँ पे आपको स्टार्ट होते ही वादी जिन यानी वादी बैदा आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, जैसे स्कूटर है, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, सब चीज़ें मिल जाएगी। पर वादी जिन का जो असल पॉइंट है वो थोड़ा आगे, तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और बाकी वादी जिन आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हम अभी वादी जिन पहुंच चुके हैं। ओ, ये छोटा सा जिन यहाँ पे कूद रहा है और इस वक्त जो वादी जिन का मंजर है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से ऊपर ये हट टाइप भी बना हुआ है छत जो है, और ऊपर ये पहाड़ आप देख सकते हैं। और ये पूरी आवाम जो है यहाँ पे एंजॉय करने आई है। ये वादी जिन का आखिरी और लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आप ये रोड देख रहे हैं कि घूम के वापस उस तरफ ही जा रहा है जहाँ से हम आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन धूप बहुत है। धूप बहुत है? कहाँ है धूप यार? उधर से आ रही है ना। उधर से आ रही है तो रोको। तो ये आप अगर देखेंगे सामने ऊंट की सवारी चल रही है। यहाँ पे लोग ऊंट की सवारी कर रही हैं, घोड़ों की सवारी, ऊंट की सवारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस तरफ जो है कुछ बूफे हैं, यहाँ पे चाय, सैंडविच वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये रहा सामने गन्ने का रस। गन्ने का रस भी आप यहाँ पे पी सकते हैं। पहले ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, अब लोगों के आने की वजह से और यहाँ पे रश की वजह से ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं और काफ़ी होटल यहाँ पे खुल चुके हैं। तो अब चलते हैं कहाँ बैठना है वो जगह ढूंढ के और बारबेक्यू का सेटअप करते हैं। घोड़े के ऊपर बैठूंगा मैं। घोड़े के ऊपर बैठेगा जी? चले भाई देखते हैं। और वापसी जाते हुए एटीवी के ऊपर भी बैठूंगा। किसके ऊपर? एटीवी। एटीवी क्या है? वो गाड़ी है। ओके ठीक है जी। ये जगह मुंतखब की है, यहाँ पे बैठेंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जा चुकी हैं और फैमिलीज भी हैं इधर। और ये रहा हमारा मुस्तफ़ा, यहाँ मस्तियों में पूरे हैं। थोड़ी ऊपर वाली जगह सेलेक्ट की है क्योंकि यानी आप यहाँ पे बैठ के ये वाला व्यू भी देख सकते हैं और यहाँ पे बैठ के ये वाला व्यू भी देख सकते हैं। तो ये सामने आप इस पहाड़ को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर यूँ आ रहा है और बाकी हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और ये बच्चे जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, नीचे जा रहे हैं। अभी
तो आए व्यूअर्स, बाकी सारा सामान जो है गाड़ी में है और यहाँ से सारा सामान निकालते हैं। बहुत सारे सामान यहाँ ले जाओ, दोनों ले जाओ सवा भाई, आप दोनों ले जाएं साथ में। और ये जो है डिस्पोजेबल सामान है, और ये दही दूध, और ये जो है बारबेक्यू का सारा 700 रुपये कोयले, और ये यहाँ पे सारा बना लिया, इसको पे बात भी करेंगे। अभी ये सामान लेकर ये यहीं रखे ताकि आग जलाने के काम आएगी। कोयले घूमने गए थे अभी भी आगे, ये शॉप पर है सारी शॉप पर है। अब जनाब ये कोयले खोलते हैं। हसन भाई आपको एक लिक्विड दिया था जी, वो गाड़ी लगाने के लिए मैं लेकर जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, वो लिक्विड लेने का आना पड़ेगा। अपन नहीं गाड़ी अनलॉक है या लॉक, चलो किस्मत हुई अनलॉक है, ये रहा लिक्विड, ओ फंस गया। सो किस्मत अच्छी थी लिक्विड गिरा नहीं, नहीं तो ये लिक्विड बह जाता। ये ले आगे लिक्विड, कोयले भी डाल दिए, दूसरी कोयले की थैली थी वो कहां गई। इसको यूं बंद करें, जितना छोटा होगा उतना बेहतर होगा। अभी ये लिक्विड जा रहे हैं, फिर ये लाइटर से जलाएंगे, ये डाल लें लिक्विड, ये बहुत सारा डाल रहे हैं, तो इधर डालें, इधर से डाल लेंगे ना। हाँ बस हाथ बचा के, हाथ बचा के, ओह बहुत ऊपर आई आग, इस साइड को आ रही आग, ये आग इस साइड आ रही है, कारपेट ना जल जाए। व्यूअर्स हमने आग जला ली है, अब देखते हैं कोयलों को कितनी देर में आग लगती है। इधर से कोयलों में लगना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा लगेगी भाई, ऐसा ऐसा बहुत मुश्किल है नीचे जाना। अभी हम लोग आराम आराम से जाएंगे, तो बहुत ज्यादा सावधानी से जाना पड़ेगा। ओए होए 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 होए, नहीं गिरे गिरे नहीं गिरे नहीं, बस भागो। चलो नीचे पहुंच गए, इतनी ऊपर से हम लोग आए नीचे। अभी वो उधर कोने पे जाके एक दरख्त है ना, वो पड़ा, वो सूखा पड़ा हुआ, उसका हम लोग उसमें से थोड़ी सी वो लेने जा रहे हैं लकड़ियाँ, वो भी वहां से ला रहा है लकड़ियाँ उठा उठा के, जूतों में चुभ रही है हमें। यहाँ पे बहुत मिट्टी है, ये दरख्त है सूखा गिरा हुआ है, इससे लेंगे, यहाँ से निकलते हैं, अगर निकल लिए तो आगे चल के देखते हैं। यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला, इधर आओ ये उठाओ मुस्तफा, इधर आओ, इधर आओ, ये ले उठाओ, सारी सारी उठा ले, मैं और लाता हूँ। आस पास ही बहुत सारी बनी है, देख के उठाना कांटे हैं इसमें भी। उधर मैंने एक बड़ी वाली लकड़ी भी ली है, वो एक बड़ी वाली पड़ी हुई, वो वाली भी उठा ले। यहाँ पे ज्यादा चलने से ना मिट्टी भी शूटों में घुस जा रही है। हम उठा लेते हैं, यहाँ से चलते हैं, वैसे खड़ी चल रही है लेकिन हम पिछड़ जाएंगे। इतनी नीचे गए थे हम लोग, वहाँ से लकड़ियाँ लाए, और ये कुछ मेरे पास है, कुछ वहाँ पे आगे मलाई बोटी, अभी ये बन रही है, फिर उसके बाद हम लोग इसको आग पे रख लेंगे। आग लगा रहे हैं और आग लगाना हमारा काम नहीं है, बहुत मेहनत लग रही है आग जलाने में। और ये चीजें ये बच्चे वहाँ से, और डोगर भाई साहब वहाँ से लेकर आए हैं, और ये मोटू साहब भी। और अब ये यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं आग में, और ये हमें आग लगने वाली है इस वक्त। और ये चीजें तैयार हो रही हैं यहाँ पे बारबेक्यू की, आग जल जाए तो फिर बाकी ये चीजें आएंगी इसमें और इधर रखी जाएंगी। आप जरा इसमें मुर्गी लगा के दें हमें मेहरबानी करके, ये आप निकलवाएं जरा थोड़े से, ये निकलवाऊं मैं, इधर आग को हवा दे रहा हूँ भाई। आप मुसाफा भाई जाए हने भाई के हेल्प करवाए, आग लगी हुई है, ये आग में लगी हुई है आपके इसके, ये देखो, ओहो हो, हमें पता ही नहीं था इसमें आग लगी हुई है, ये आग बुझ हमने बुझा दी थी पर ये हवा की वजह से जलती जा रही है। ये तो पूरा जो गांव में सिस्टम हमारा होता है ना, उस हिसाब से लकड़ियां ढूंढ कर लाए हैं और यहाँ पे आग जलाने की कोशिश की जा रही है। सलान भाई जो मुर्गी लाए हैं वो काटनी पड़ रही है क्योंकि ये कटी हुई नहीं है, और फैमिली वाले जो है ना पीस में खुश हैं ना मुर्गी फुल में खुश हैं। ये लें जी, ये तैयार हो गया, ये लें इरफान भाई, इरफान भाई को देते जा रहे हैं और हम बनाते जा रहे हैं। दूसरा कहाँ है, तो ये जो सीके है ना सबसे ज्यादा मुझे फेवरेट लगती है, ये देखो पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी होती है।
देखते हैं इधर की सीन। ये वैसे घर में बनाई हुई है। कोयले और चूल्हा इस वक्त हमारा तैयार हुआ है काफी मेहनत के बाद। तकरीबन अरसलान भाई मेरे ख्याल में आधे घंटे से ज्यादा लग गया है इस पे, 40-45 मिनट लग गए इसको बनाने में। तो अब सही से कोयले बने हैं नीचे और आग लग चुकी है अभी सही से। अभी चलते हैं आइसक्रीम लेते हैं वहां से, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बस दो ही खाने में। अभी तक मेरा वाला बचा हुआ है, इसने अपना पी लिया। मुझे क्या, इसलिए जल्दी जल्दी पी लिया मैंने। यार पापा मेरे हिसाब से एक बता जी, क्या लेकर आए आप? हम लोग गन्ने का जूस, आइसक्रीम और वो कोन लेकर आए। ओके चलो आगे चलो हमारे। तो व्यूअर्स कोयले खत्म हो चुके हैं, अब ढूंढने चले हैं कोयले। और एक चीज और भूल गए, रोटियां लाना। तो अब देखते हैं आगे कि किसी होटल पे रोटियां मिल रही हैं या कोयले मिल रहे हैं नहीं। वैसे तो यहाँ सारी चीजें जो हैं आइसक्रीम्स ही हैं। और इस तरफ क्या है, ये भी आइसक्रीम चिप्स दे रहे हैं, आइसक्रीम और चिप्स है। यहाँ आप देख रहे हैं लोग ऊंट की सवारी कर रहे हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको घोड़े भी मिल जाएंगे। बाकी पहाड़ों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। और यहाँ पे भी फैमिलीज जो हैं वो ऊंट और घोड़ों का जो है राउंड ले रहे हैं। जी भी बस मगरिब का वक्त ख़त्म हो चुका है और तकरीबन ईशा के वक्त के करीब हैं और अंधेरा हो चुका है। अभी तक हमारा जो है बारबेक्यू नहीं हुआ, कुछ सामान रह गया था वो अभी जाके लेकर आए। और इस टाइम जो बारबेक्यू हो रहा है वो सही मायने वाला हो रहा है, अभी दिखाता हूँ। गीठी या सीकड़ी के इसको ये किराए पे लेकर आए और वो रहे कोयले अलग, दूसरे वो लेकर आए। तो अब जो है थोड़ा बेहतर तरीके से बन रहा है। पहले जो था ऐसे ज़मीन पे हमने किया हुआ था, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे चाय बन रही है नीचे कोयले रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा मज़ा नहीं दे रहा था। तो फिर ये अब लेकर आए किराए पे। मलाई ये मलाई मलाई बोटी है भाई, मलाई टिक्के नहीं है। टेस्ट करके देखें भाई जी, जी। तो एक मलाई बोटी टेस्ट करके देखते हैं कैसी बन रही है। ये देखें जनाब मलाई बोटी, टेस्ट अच्छा है और गल भी गई है, बहुत मजे की है। इससे अच्छी गर्मी भी बनाता है जो अभी पक रही है और बन रही है। यहाँ पे देखिए चाय बन रही है, देखते हैं कितनी बन चुकी है। ये तो अभी शुरू भी नहीं है यार। जी व्यूअर्स सब पहुंच गए हैं करीब खाने के। यहाँ पे चाय रखती है और कोयले वाली चाय पीने में बड़ा मजा आता है। अब इस एक मुर्गी का इंतजार है, बाकी सब चीजें तैयार हो गई हैं। ये मेहनत में लगे हुए हैं दो बच्चे भाई। हवा वैसे ही तेज है यार, वो देखो जिनाया 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 जिनाया। वैसे हमारा सुफरा तैयार हो चुका है और काफी सारी चीजें तैयार हो रही हैं। हसने भाई, अरे मुस्तफा भाई हैं, क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बैठा हूँ। तैयार हो गई चीजें जी? खाने में कितनी देर है? थोड़ी देर। मलाई बूटी ये पूरी मुर्गी रोस्ट है। ये क्या है? ये भी मुर्गी है। तो माशाल्लाह से सुफरा काफी बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो जी व्यूअर्स बारबेक्यू भी हो गया, खाना भी यहाँ पे खा लिया, आप घर जाने की तैयारी हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन मौसम है। हवा आप देख रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे। जाने का दिल नहीं कर रहा पर मजबूरी है, घर वापस जाना है। तो अब ये सारा सामान उठाना है, सारा सामान उठाने के बाद घर की तरफ निकलना है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगले वीडियो तक मुझे ना इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो देखें वो देखें।